अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पे आपको बैच नंबर 5 की फ्रीलांसिंग कोर्स की एंड स्किल की एक्सरसाइज नंबर 2 का लेआउट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ टास्क 5 है। अब हम हर टास्क की एक्टिविटी की नेचर को एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें क्या क्या डिमांड की जा रही है, हमें क्या परफॉर्म करना है। पहले टास्क के मेंशन जो कोर्स की, आपको याद होगा कि लास्ट एक्सरसाइज में यानी पहली एक्सरसाइज में हमने 5 बेस्ट इन डिमांड एंड सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्किल्स सेलेक्ट की थी। उन 5 में से हमने अपनी एक और स्किल सेलेक्ट की थी जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते थे एज ए फ्रीलांसर। सो उन्हीं में से या कोई अदर देन जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लें एज ए कोर स्किल। तो मैंने अपने लिए SEO की स्किल पसंद की है। दूसरा टास्क पे आते हैं जो रिलेटेड है टास्क 1 से, कि हमने जो अपनी सर्विस सिलेक्ट की है उसके बारे में हमने टाइटल लिखना है, और टाइटल इस तरह लिखना है कि उसमें हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो टाइटल का पार्ट बने। तीसरा जो हमारा टास्क है उसमें हमने अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, और उसमें बताना है कि हम अपने वर्क के हवाले से, अपने सर्विसेज के हवाले से कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं। चौथी टास्क है कि हमने अपनी सर्विसेज की प्राइस सेट करनी है, या अपनी सर्विसेज को कुछ प्राइस असाइन करनी है जो कि बिटवीन $5 और $30 होनी चाहिए एज पर असाइनमेंट। अगर आप प्रोफेशनल लेवल के वर्कर हैं तो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं एज पर द करंट मार्केट रेट। टास्क नंबर फाइव में आपसे कहा गया कि अपने प्रीवियस कोई भी जो वर्क है उसकी स्क्रीनशॉट्स या पिक्चर्स या इमेजेस वगैरह अटैच करें। चलते हैं fiverr.com पे और अपने स्किल से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें ढूंढते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज तैयार कर चुका हूँ, उस पर हम जाके देखते हैं कि मैंने अपनी आपको दिखाने के लिए मैंने स्किल कौन सी सेलेक्ट किया, उसको मैंने कैसे रिटर्न डाउन किया है। ये देखें, पहले एक्सरसाइज क्या थी कि आपने अपनी कोर स्किल्स को सेलेक्ट या मेंशन करना है। तो मैंने अपनी कोर स्किल्स को टास्क 1 में मेंशन कर दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। दूसरा क्या था, राइटिंग द टाइटल ऑफ कोर स्किल्स, उसमें हमने टाइटल को इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि उसमें हमारा कीवर्ड जो हमारे स्किल से रिलेटेड कीवर्ड के SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो आए। प्रोफेशनल लेवल SEO सर्विसेज फ्रॉम एन SEO एक्सपर्ट। मजीद अपने आप टाइटल को हेल्प लेने के लिखने के सिलसिले में हेल्प लेने के लिए आप fiverr.com में या फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर जाएँ, 2-4 अच्छी किस्म की गिग्स को या प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें और देखें उन्होंने कौन से वर्ड यूज़ किए हैं अपने टाइटल को लिखने में। तीसरा हमारा टाइटल टास्क क्या था कि हमने अपनी सर्विसेज को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, अपने बारे में बताना है, अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, इनको अपने क्लाइंट्स को बताना है। तो मेरी जो कोर स्किल है वो SEO से रिलेटेड है, तो मैंने सारी की सारी जो डिटेल है अपने उसके बारे में यहाँ नीचे लिख दिया है। चौथा जो मेरी टास्क थी वो हमें एक रेंज बताई गई थी $5 से $30, उसके दरमियान हमने अपनी प्राइस सेट करनी है एज पर द गिवन रेंज इन असाइनमेंट। तो मैंने क्या अपनी रेंज रखी है प्राइस की, $20 टू $30। फिर टास्क नंबर 5 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी टाइटल में और डिस्क्रिप्शन लिखने में। तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी ही पहले अपने सर्विसेज रिलेटेड आपके जो भी कोर्स के जो आपने सेलेक्ट किया आप उसको सर्च बार में लिखें और सर्च का बटन क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपकी कोर्स स्किल से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएंगे। तो मैंने SEO सर्विस यहाँ लिखी, क्लिक किया तो ये रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए सारे। तो मैंने इसमें से टॉप रेटेड सेलर्स की ये गिग उठाई, इसका प्रोफाइल उठाया तो मेरे सामने ये उसका पेज ओपन हो गया। इसमें मैंने देखा उसने क्या लिखा हुआ है एज ए टाइटल के तौर पे, आई विल बिल्ड SEO बैक लिंक्स वाइट एट मैनुअल लिंक बिल्डिंग सर्विसेज।
यानी स्पेसिफिक के लिए अपनी तमाम सर्विसेज एक एसईओ की एक टूल है या एसईओ की एक सब कैटेगरी है जिसको हम ऑफलाइन ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स कहते हैं, उसमें बैक लिंक से फैक्टर्स है उसको यूज कर रहा है अपनी सर्विसेज देने के लिए। इसके अलावा भी दो तीन फैक्टर्स होते हैं, ऑनलाइन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं एसईओ अपने वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज करते हैं। ये आपकी सर्विसेज वेरीज करती हैं फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट एज देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट। नीचे आकर आप देखें कि उसने किस तरह अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया है, अपनी जो कोर एरियाज हैं जहाँ वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे मेंशन किया है। इस तरह आप इसके स्ट्रक्चर से अपने लिए हेल्प आउट ले सकते हैं कि कैसे आप अपने अपनी कोर स्किल्स से रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं और किस तरह उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो उसके बाद जो मैंने मेरी जो पाँचवें नंबर की टास्क है उसमें वो पूछते हैं कि आपने कोई प्रीवियस काम किया हुआ है तो उसकी आपने स्क्रीनशॉट एज एग्जांपल लगानी है। मैंने एक मेरे क्लाइंट है, उनकी एक वेबसाइट थी, मैंने उनके लिए सोशल बुक मार्केटिंग की थी, प्रोफाइलिंग की थी, प्रोफाइल क्रिएशन की थी, बिजनेस एक्टिवेशन की थी। बेसिकली ये एक ब्लॉग है जो डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जिस पे, तो मैंने यहाँ लगाया। मैंने इसके कुछ आर्टिकल्स एक क्लर्क साइट है उस पर लगाए थे, उसका मैंने फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट लगाई। दूसरी एक मिक्स साइट थी, उसमें जो मैंने आर्टिकल्स लगाए थे उनमें से एक आर्टिकल्स का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया इधर। इस तरह ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो मेरी लाइव हैं जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे स्निपिंग टूल को यूज़ करते हुए। ये क्लर्क पे मैंने अपना आर्टिकल्स पोस्ट किए थे एज ए सोशल बुक मार्किंग साइट के तौर पर, और दूसरी ये मिक्स साइट है जहाँ मैंने अपने क्लाइंट की ब्लॉग के आर्टिकल्स पोस्ट किए थे। ये दूसरी बुक सोशल बुक मार्किंग साइट है जिसका नाम है मिक्स है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।